सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेयरहट। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका गेयरहट चैनल में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेनो ट्राइबर और जानेंगे इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चाबी। तो ये है इसका चाबी, इसमें आपको लॉक, अनलॉक और बूट का ऑप्शन और हेडलाइट का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, सबसे सामने पहले आपको जो है क्रोम फिनिश वाला जो है ग्रिल देखने को मिल जाएगा। सेंटर में जो है रेनो का लोगो देख सकते हैं और इसमें जो है आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिल जाएगा जो कि एलईडी नहीं है, हेलोजन है, लेकिन प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स भी जो है हेलोजन है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है आपको एक DRL देखने को मिल जाएगा। साथ में पूरा क्रोम फिनिश दिया हुआ है। नीचे में देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है, ये कुछ अलग कलर का है, सिल्वर कलर, और ये प्लास्टिक का है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। सो ये इंजन आता है 999 cc, यानी 1000 cc का आप बोल सकते हैं। 3 सिलेंडर का ये इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 72 PS की पावर और 97 Nm का टॉर्क। बाकी बातें हम गाड़ी चलाते हुए बात कर लेंगे और इसका आप आवाज़ सुनिएगा। तो ये है वन ऑफ द सेफेस्ट MPV इन इंडिया, या तो बोल सकते हैं सबसे सेफ MPV जो है इंडिया के, वो यही है। तो सेफ्टी के मामले में इसको फुल टू फुल रेट मिलते हैं। और बात करें इसके प्राइसिंग का, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका एक्स शोरूम प्राइस इतना से स्टार्ट होकर यहाँ तक के रहता है। सो ये जो मॉडल है ये टॉप मॉडल है RX-Z, डुअल टोन में ये आता है, आपको ऑप्शन मिल जाता है डुअल टोन का। तो ये जो है टॉप मॉडल है, डुअल टोन जो आता है वो है। सो बात करें इसके मॉडल की, तो ये टॉप मॉडल है RX-Z जो आता है वो है टॉप मॉडल। डुअल टोन में ये देख सकते हैं ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ऊपर एंटीना देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा एंटीना लगा हुआ है। रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगे ऊपर में। अब बात करें इसके टायर साइज़ की, तो ये है 185x65 R15, 15 इंच का आपको इसमें टायर देखने को मिल जाएगा। ये अलॉय व्हील नहीं है, प्लास्टिक है, लेकिन इसका जो रिम है वो अलॉय व्हील जैसा डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको ये अलॉय व्हील की तरह दिखेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है एज यूजुअल, और रियर में जो है आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। C8 के टायर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे, और देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो है क्लैडिंग बस टायर्स के ऊपर दिया हुआ है, और गेट में भी जो है ब्लैक कलर का दिया हुआ है। ये जो है पेंट है, कोई अलग से प्लास्टिक लगा हुआ नहीं है। कुछ इस तरीके से इसका साइड का पूरा लुक है। A, B और C पिलर जो है ब्लैक कलर में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके रियर में। इसमें जो है आपको नॉर्मल हेलोजन जो है बल्ब देखने को मिल जाएगा रियर में, और LED नहीं मिलता है। सेंटर में रेनो का बैज है, ट्राइबर लिखा हुआ है बहुत ही बड़े अक्षरों में, रेनॉल्ट का दिया हुआ है। मॉडल का वेरिएंट का जो नाम है वो नहीं दिया हुआ है। डिफॉगर और रियर वाइपर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो अगर आप तीनों रो को ऊपर रखे रहेंगे तो इसका बूट स्पेस जो है वो 82 समथिंग अराउंड जो है आपको लीटर में बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आप इसके सीट्स को अगर आप रिक्लाइन कर देंगे तो बूट स्पेस जो है आपका बढ़ के इतना लीटर का हो जाएगा। तो आप अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हैं। वैसे अगर सीट ऊपर रहे तो आप ज़्यादा सामान नहीं रख पाएंगे। और देख सकते हैं रियर में आपको जो है यहाँ पर पावर आउटलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे लास्ट सीट में जो पैसेंजर्स बैठेंगे उन लोग के लिए भी जो है AC वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लास्ट में हैंडल भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके स्पेयर व्हील का, तो वो आता है नीचे में। और इसका साइज क्या है, वो आपको देखने को मिल गया होगा। साइलेंसर का इसका यहाँ पे जो है लेफ्ट में नीचे में दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिखता है गाड़ी नीचे की ओर से। ब्लैक कलर का बम्पर दिया हुआ है, साथ में जो है ये कलर थोड़ा सा अलग दिया सिल्वर, बाकी ये सेम बम्पर जुड़ा हुआ है। 3 आपको सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं रियर में, यहाँ पे आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर यानी अंदर में जो डिज़ाइन है, अंदर में जो स्पेस है उसके बारे में। और ये रूफ रेल्स मजबूत लग रहे हैं, शायद ये फंक्शनल हो सकते हैं। डोर देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा खासा वाइड जो है ये खुल जाता है। डुअल कलर में दिया हुआ है, ब्लैक और ये कलर में। पावर विंडो आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये टॉप मॉडल है। स्पीकर आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, और ट्विन बॉटल होल्डर से साथ आप एक लीटर का और एक आधा लीटर का बॉटल इसमें रख सकेंगे। नॉर्मल जो क्लासिक डिज़ाइन होता है हमारा लॉक का, वो दिया हुआ है इसमें।
अब फ्रंट का जो सीट है मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखा हूँ अभी। और सबसे खास बात मेरे को ये लगता है इस गाड़ी में कि आप इसका बेस मॉडल भी लेंगे ना तो आपको जो है तीनों रो के सीट्स में जो है आपको हेडरेस्ट दिया रहता है, तो बहुत सही लगता है। अब देखते हैं बैठ के कितना स्पेस है। और बैठने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो सीट है आप यहाँ से इसको आगे या पीछे कर सकते हैं, इस तरीके से आगे और पीछे, तो पीछे बैठने वालों के कन्वीनियंट के हिसाब से। और अगर आपको सीट को झुकाना है तो आप इसको ऐसे भी झुका सकते हैं, इतना भी आप इसको इंक्लाइन कर सकते हैं अगर आप आराम से जाना चाहेंगे तो। तो सबसे पहले रियर सीट का जो स्पेस है उसके बारे में देख लेते हैं अपन जाके एक बार। वैसे अगर कभी इमरजेंसी रहा तो आप बैठ के जा सकते हैं, वैसे तो एडल्ट्स को प्रीफर नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी अगर आप इमरजेंसी केस में तो इजीली बैठ सकते हैं। मेरी हाइट 5'10" है तो भी मैं यहाँ पे उतना दिक्कत नहीं हुआ है, फिर भी बैठ सकता हूँ। दो लोग तो मेरे ख्याल से बैठ सकते हैं अगर ये सीट थोड़ा आगे रहेगा तब। आपको यहाँ पे ये भी दिया हुआ है पकड़ने के लिए। और बात करें सीट का कंफर्ट, एवरेज है, उतना ज़्यादा खास नहीं है। अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है लेकिन आपको लास्ट रो में भी जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब बैठ के देखते हैं हम सेकेंड रो में। ये चीज़ अच्छा लगता है कि कई बार जब सीट आप लगाते हैं तो जो ये आपका सीट बेल्ट है वो फंस जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। तो देख सकते हैं लेग रूम जो है आपको बहुत अच्छा खासा मिल जा रहा है, नी रूम तो मोर देन इनफ है, कुछ इस तरीके से है। अगर आप तो सीट थोड़ा सा आगे भी कर देते हैं हम तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप पीछे रखेंगे तो आप आराम से बैठ सकते हैं। अंडर थाइट सपोर्ट अच्छा खासा है, आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हेडरूम तो बहुत ज़्यादा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल गया हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल भी दिया हुआ है और पीछे बैठने वालों के लिए एसी वेंट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे नीचे में एक चीज़ दिया हुआ है, ये शायद तक जो है आपका एयर प्यूरीफायर है, एग्जैक्ट नहीं पता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपन आगे जाके बात कर लेंगे। सेंटर में ज़्यादा बड़ा हम्प है नहीं तो तीन लोग को बैठने में बहुत ज़्यादा आसानी तो नहीं होगा, लेकिन इजीली बैठ सकते हैं क्योंकि सेंटर में भी देख सकते हैं सीट दिया हुआ है। अब ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो तीन लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। सेंटर में लाइट दिया हुआ है, फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके से यहाँ से दिखता है। तो चलिए आप जाते हैं आगे की ओर। गेट देख सकते हैं नॉर्मल है, सिंपल सा आपको डोर हैंडल मिला हुआ है, एडजस्टेबल जो है आपके ORVM से, ऑटो डाउन और आपका ऑप्शन जो है आपको ड्राइवर के लिए देखने को मिल जाएगा। बॉटल होल्डर दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है, आपको ड्राइवर का सीट हाइट एडजस्टेबल भी देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में। अब बैठते हैं इस गाड़ी में अंदर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से है इस गाड़ी का। और इसमें जो है आपको रेंज दिखा देगा गाड़ी का, माइलेज, सर्विस इंटरवल, ट्रिप ए और फ्यूल यूज्ड, एवरेज, किलोमीटर पर आवर और ट्रिप बी के भी सब डिटेल्स अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। इधर आपका RPM मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे जो है आपको टेम्परेचर दिखाएगा गाड़ी का, फ्यूल का दिया हुआ है, ये सब फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। स्टेयरिंग में देख सकते हैं आपको जो है मीडिया के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, फ़ोन आप उठाना है काटना है ये सब यहाँ से कर सकते हुए हैं। और स्टीयरिंग जो है हल्का से जो है बॉटम दिख रहा है, अब उतना पता नहीं चल पा रहा है। और बात करें स्टीयरिंग व्हील तो आप इसका हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रीच तो एडजस्ट नहीं होगा। बात करें मीडिया की तो इसमें जो है आपको नॉर्मल टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, और इसमें जो है आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वो भी देखने को मिल जाएगा। और बात करें रिवर्स कैमरे की तो आप देख सकते हैं आपको एडाप्टिव देखने को नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स आपको ट्विन देखने को मिल जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे, बहुत ही बड़े ग्लव बॉक्स इस गाड़ी में दिए हुए हैं। इंटीरियर कलर देख सकते हैं ब्लैक और सिल्वर दो कलर में दिया हुआ है। यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, नॉर्मल AC दिया हुआ है, मैनुअल, यह आपका पीछे का डिफॉगर का हो गया, हज़ार लाइट और ये सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस है। USB दिया हुआ है, ऑक्स का ऑप्शन है, 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर नहीं दिया हुआ है।
यहाँ पे ट्विन कप होल्डर से ये 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पे आपको जगह दिया हुआ है सामान रखने के लिए, और ये कूल्ड है तो आप कुछ भी रखेंगे वो ठंडा हो जाएगा। ये पीछे के एसी वेंट्स के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। आईआरवी हम देख सकते हैं, आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं नाइट के लिए। को ड्राइवर साइड आपको मिरर देखने को मिल जाएगा, ड्राइवर साइड जो है आपको रिसीप्ट होल्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे माइक दिया हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। और हेडलाइट लेवलर आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में दिया हुआ है नीचे में, जिससे आप हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब तो हो गया गाड़ी का फीचर्स के बारे में, अब देखते हैं ये गाड़ी चलाने में कैसी है। तो चलिए गाड़ी चला के देखते हैं, करते हैं सबसे पहले थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच है तो थोड़ा ऑफ रोडिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर रोड में चलाएंगे और देखते हैं चला के कि ये 72 पीएस का पावर का जो इंजन है मोटर है वो कैसा है। और तो और इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 182 mm है, वैसे एमपीवी के हिसाब से ठीक है, आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि एक सेफेस्ट गाड़ी है तो वो आपका सबसे बेस्ट पार्ट है। एक बार आप पिकअप हम चेक कर लेते हैं कि गाड़ी का किस तरीके से परफॉर्मेंस है। तो फर्स्ट गियर में डाल दिया हूँ, एसी बंद है, तो चलिए देखते हैं। पूरा 5,500 RPM तक जो है रेड लाइन होता है ये गाड़ी, तो अगर आप कम वेट में गाड़ी चलाएंगे तो अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप कभी अकेले चल रहे हैं तो आपको जो है माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी का वजन कम रहेगा। और फैमिली के हिसाब से चलाएंगे तो आपको वेट ज़्यादा रहेगा तो उससे आपसे एक फैमिली कार भी ये बन सकता है, तो दोनों का काम हो जाएगा। गाड़ी का जो लेंथ है वो 4 मीटर के अंदर है, तो सिटी में चलाने में उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाला इस गाड़ी को लेकर आपको। और बात करें विजिबिलिटी का तो वो भी बहुत अच्छा खासा है, आपको कोई खास ब्लाइंड स्पॉट इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आपको एक बजट फैमिली कार लेना है जो अच्छा खासा माइलेज आपको दे दे, ज़्यादा सर्विस कॉस्ट ना रहे, ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं रहे, तो आप इस गाड़ी को ज़रूर प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आप एक या दो लोग बैठ के भी गाड़ी चलाएंगे तो आपको गाड़ी जो है माइलेज अच्छा देगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा दे देगा ये गाड़ी, अगर गाड़ी में वजन कम रहेगा तब। और जैसे कि आप लोगों ने देखा हम लोग थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी किए तो उसमें भी जो है गाड़ी का हाइट अच्छा था, उसकी वजह से गाड़ी जो है ईजिली निकल गई वहाँ से। और इस गाड़ी में जो है आपको तीनों रो में जो एसी वेंट्स भी देखने को मिल गया है, तो कूलिंग का भी कोई खास आपको दिक्कत होने से रहा है इस गाड़ी में। सस्पेंशन भी इसके ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, जिससे आपको जो है हैंडलिंग जो है गाड़ी का वो अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाता है। अदरवाइज सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं तो आपको जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा खास नहीं रहता है। और बात करें बाहर का नॉइस, तो आपको बहुत हल्का से थोड़ा बहुत इंजन का नॉइज़ आएगा जब आप रेव करेंगे, अदरवाइज इसका एनबीएस लेवल भी बहुत सही है। थोड़ा बहुत आपको जो है आ सकता है अगर आप खराब रोड पे चलाएंगे, नहीं तो फिर उतना ज़्यादा आपको इसमें अंदर में नॉइज उतना कुछ नहीं देखने को मिलेगा। सो दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और कैसी लगी आपको ये गाड़ी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और कोई पॉइंट छूट गया होगा तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट पढ़ लूंगा। और इंस्टाग्राम हैंडल सोरा का आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, या ट्राइबर देखना है, काइगर देखना है, क्विड देखना है, तो शोरूम के सारे डिटेल्स जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। सो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, राइड हार्ड राइड सेफ, बाय बाय।